चलिए दोस्तों, आज हम लोग द आईज आर नॉट हियर का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जो लास्ट और फाइनल वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग एक वीडियो में इसके आधे सेशन को पूरा कर चुके हैं और उसी वीडियो को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पार्ट टू है, द आईज आर नॉट हियर। उसके रचनाकार हैं रस्किन बॉन्ड है, जो एक शॉर्ट स्टोरीज एसेज नॉवलिस्ट एंड बुक ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन के एक बहुत बड़े रचनाकार थे और इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो जाने जाते हैं इस दुनिया में, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड डैट द ट्रीज सेम टू बी मूविंग वाइल वी सेम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, मैंने साहस करते हुए पूछा, डैट द ट्रीज सेम टू बी मूविंग वाइल वी सेम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। लेखक उस आगे सामने बैठी हुई खूबसूरत महिला से बात करने का बहाना ढूंढते हैं और पूछते हैं कि क्या कभी तुमने महसूस किया है कि हम लोग जब खड़े होते हैं तो जो ट्रेन में लोग यात्रा कर रहे थे, याद रखिएगा, और पूछते हैं कि ये जो पौधे हैं ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चल रहे हैं और हम लोग खड़े हैं। डैट ऑलवेज हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है, सी सैड, उसने कही। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आप किसी जानवर को देख रहे हैं। सी, क्या कि आप किसी जानवर को देख रहे हैं। अब यह देख रहे हैं किस आधार पे बोला जा रहा है। दोस्तों, जो कार्य बोलने वक्त जारी होता है उसमें तो आईएनजी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। वो वर्ब परसेप्शन होते हैं, जैसे फील, लाइक, डिजायर, सी, विश, जिनमें आईएनजी नहीं लगता है लेकिन वो कंटिन्यूटी का फॉर्म का बोध करा सकते हैं। जैसे डू यू सी एनी एनिमल्स, कि आप किसी जानवर को देख रहे हैं, इसका हिंदी होगा। क्योंकि ये दोनों आदमी, हमारे लेखक साहब और जो महिला है, वो एक पास बैठे हुए हैं और उस समय की बात कर रहे हैं। बाहर लेखक देख रहे हैं और महिला पूछ रही है कि क्या आप किसी जानवर को देख रहे हैं। हार्डली एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर डेहरा, कि देहरा के नज़दीक जंगल में हार्डली, शायद ही कोई जानवर अभी भी बचे हुए हैं। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस। मैं विंडो की तरफ से घूमा और लड़की के तरफ चेहरा किया, उसके तरफ ताका, एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, और कुछ देर के लिए हम सभी लोग बिल्कुल शांति में बैठे रहे। यू हैव ऑन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड, तो मैंने टिप्पणी किया कि आपको एक खूबसूरत सा चेहरा है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, बिल्कुल मैं थोड़ा सा हिम्मती होते जा रहा था। डेयरिंग साहसी होता है, निडर होते जा रहा था, मतलब उस महिला से अब बात करने में लेखक थोड़ा सा फ्रैंक महसूस कर रहे थे। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लटरी, क्योंकि फ्यू मिस न के बराबर ही लड़कियाँ अपने चापलूसी को क्या कर सकती है, रेसिस्ट कर सकती है, रोक सकती है, उसे माना कर सकती है। रेसिस्ट मिस होता है रोकना, फ्लटरी मिस होता है चापलूसी। आगे है कि सी लाफ्ड प्लीजेंटली, वह मुस्कुराई, मतलब वो आनंद पूर्वक हंसी। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, वो पूरा खुलकर हंसी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव ऑन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस, आई हैव अ प्रीटी फेस। सी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ अ नाइस टू बी टोल्ड, ये मतलब सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। आई हैव ऑन इंटरेस्टिंग फेस, कि मेरा एक हंसता हुआ मनोरंजक खूबसूरत चेहरा है, इंटरेस्टिंग। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस, मैं लोगों के कहने से कि मुझे एक खूबसूरत चेहरा है, मैं उससे थक गई हूँ। ओह, सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, थॉट आई, एंड ऑल द आई सेड,
वेल अनइंस्ट्रेटिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी। लेखक कहते हैं कि सो यू डू हैव प्रीटी फेस, यद्यपि तुम्हें एक खूबसूरत चेहरा है। द थॉट आई, मैंने सोचा, एंड आई अलाउड आई सेड, और इसलिए मैंने कहा, वेल अनइंस्ट्रेटिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी, और एक रोचक हंसता हुआ चेहरा सुंदर भी होता है। यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन, गैलेंट, यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन, गैलेंट मिस होगा साहसी, तुम बहुत साहसी आदमी हो। सी आस सी सैड, उसने कही, बट वाई आर यू सो सीरियस, बट वाई आर यू सो सीरियस, तुम इतनी गंभीर क्यों हो। वो कहती है कि तुम इतनी गंभीर क्यों हो। आई थॉट देन, तब मैंने सोचा, डैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि उसके लिए मुझे कुछ हंसना चाहिए। लेखक सोचते हैं कि उसको इम्प्रेस करने के लिए मुझे कुछ हंसना चाहिए, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन हंसने की जो उनकी विचार थी, ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लॉनली। तो वह जो विचार उनके मन में आया, उन्हें वो परेशान किया, परेशानी महसूस कराई और अकेलेपन को महसूस कराया। वी विल सुन बी एट योर स्टेशन, आई सेड, तो मैंने कहा कि अब हम लोग जल्दी ही आपके स्टेशन जहाँ आपको उतरना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। थैंक्स, थैंक गॉडेस, गॉडनेस, इट इज अ शॉर्ट जर्नी, जर्नी, ईश्वर का शुक्र है कि यह एक छोटी सी यात्रा है। आई कांट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है कि महिला कहती है कि मैं 2 से 3 घंटे से ज़्यादा एक स्थान पे नहीं बैठ सकती हूँ, यात्राओं में नहीं रह सकती हूँ। एट आई वॉज प्रिपेयर टू सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम। लेखक कहते हैं यद्यपि मैं वहाँ पे बैठने के लिए कितने भी समय के लिए तैयार था, मतलब जितना देर उस महिला के पास बैठना पड़े मैं उसके लिए तैयार था। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, केवल उसके बातों को सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ, हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी जो आवाज़ें थी ना, पहाड़ पर बह रही धारा की चमक थी। माउंटेन, पर्वत, पहाड़, स्ट्रीम, धारा, स्पार्कल में चमक थी। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जो ही वह ट्रेन से निकली, सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर। दोस्तों, इनकाउंटर में हमला भी होता है, लेकिन इनकाउंटर में होता है आकस्मिक मिलन। तो लेखक सोचते हैं कि ज्यों ही वह ट्रेन से बाहर जाएगी, हमारे इस छोटे से आकस्मिक मिलन को क्या करेगी, भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन जो बाकी का जो यात्रा है उतना देर तो मेरे साथ ठहरेगी ही। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, कुछ देर के बाद, द इंजन व्हिस्टल श्रिक्ड, जो इंजन की व्हिस्टल थी, सीटी थी, वो क्या हुई, बजी। श्रिक्ड मिस होता है चीखना, तो चीखी नहीं होगा, यहाँ पे बजी। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, और जो ट्रेन थी, कैरेज थी, गाड़ी थी, उसके पहिए अपने आवाज़ को और रिदम, गति को बदले, अर्थात काफ़ी तीव्र हो गए। द गर्ल गॉट अप, लड़की खड़ी हुई, एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, और अपने वस्तुओं को एकत्रित करने लगी। आई वंडर्ड इफ सी ओर हर हेयर इन अ बन, बन मिस होता है जूड़ा, बन मिस क्या होता है, जूड़ा। मैं आश्चर्य था कि कहीं वो अपने, लेखक सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि वो अपने केसों को बांधी होगी, मतलब जूड़ा पहनी होगी, मतलब बांधी होगी, और इट वॉज अ प्लांटेड, या वह खुला होगा, इट वॉज अ प्लांटेड, या वह खुला होगा। प्लांटेड मीन्स चोटी होता है, वो खुला होगा कि बांधी होगी। और इफ इट हुंग, यदि वो लटका हुआ होगा, लॉस ओवर हर शोल्डर्स, तो उसके कंधों तक लटका हुआ होगा।
और इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, ये भी हो सकता है कि उसके जो बाल हो बहुत छोटे हो। लेखक उसके चेहरे के बारे में कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि लेखक देख नहीं सकते हैं, इसलिए कल्पना के माध्यम से इस आगे बढ़ाना चाहते हैं इस अपने स्टोरी को। द ट्रेन ड्रिव स्लोली इंटू द स्टेशन, धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन पे पहुंची। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, गाड़ी से बाहर पोर्टर्स कुलियों की और वेंडर्स वहाँ पे बिक्री कर रहे लोगों के, जो ठेला वाले होते हैं या कोई और भी सामान बेचते हैं, उनकी वहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका थी, साउंड थी। एंड हाई पिच्ड फीमेल, एक बहुत ही शक्तिशाली महिला आती है जिसकी आवाज़ बहुत ही मजबूत है, शक्तिशाली है। नियर द कैरेज बोगी के पास, कैरेज डोर दरवाजे के पास, विच मस्ट हैव बिलोंग टू हर द अंकल गर्ल्स आंट, जो अवश्य ही लड़की की चाची होगी। दोस्तों, अभी तक यदि आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित ही लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे प्रेरणा देते हैं अगले वीडियो अपलोड करने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अपने इस वीडियो आखिरी पार्ट को देख रहे हैं। इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो होगा वो तुरंत ही अपलोड करेंगे। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे पास काफ़ी नज़दीक खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलेसिंग, इतनी नज़दीक खड़ी थी कि उसके जो जुल्फों के परफ्यूम थे, सुगंध थे, मुझे क्या कर रहे थे, मुझे आनंदित कर रहे थे, टिंटलेटिंग कर रहे थे, आनंदित कर रहे थे और साथ ही साथ परेशान भी कर रहे थे, और परेशानी आगे के लाइनों में आपको दिखाई देगी। लेखक कहते हैं कि आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपने हाथों को उठाना चाहता था, एंड टॉच हर हेयर, और उसके बालों को छूना चाहता था। बट सी मूव्ड अवे, लेकिन क्या हुआ, वो चली गई। एंड ओनली द परफ्यूम्स स्टिल लिनर्ड वेयर सी हैड स्टूड, लिनर्ड मीन्स होता है टीके रहना, रुके रहना। तो केवल उसके जो परफ्यूम्स थे, उसके बालों के जो सुगंध थे, वही वहाँ पे रुक गए जहाँ पे वो खड़ी थी, वेयर सी हैड स्टैंड, जहाँ पे वह खड़ी थी। याद रखिएगा, जहाँ पे वो खड़ी थी क्या रुक जाता है, उसके बालों की खुशबू रुक जाती है, जुल्फों की खुशबू रुकती है। आगे बढ़ते हैं। यू मे शैटर द वेस, वेस में सोता है फूलदान, तुम तोड़ सकते हो, तुम टुकड़ों में कर सकते हो, इफ यू विल, यदि तुम चाहोगे, बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिनर देयर स्टिल, लेकिन जो सेंट थे ना वो अभी भी वहाँ पे टिके हुए थे, जो सेंट है यहाँ पे लड़की के जुल्फों के सेंट है। देर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोर वे, दरवाजे पे कुछ कन्फ्यूजन कहने से आशा है कि दरवाजे पे कुछ अव्यवस्थता थी, वहाँ पे भीड़ भड़ाका था। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक व्यक्ति कंपार्टमेंट डब्बे में आ रहा था। स्टैमर्ड में सोता है हकलाना, हकलाते हुए आवाज़ में उसने क्या किया, माफ़ी मांगी। देन द डोर बैंग्ड शूट, तब दरवाज़ा बंद हुआ। एंड द वर्ल्ड वॉज शूट आउट अगेन, और फिर से मेरी जो संसार थी दोबारा बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, और मैं अपने सीट पे जगह पे वापस आया। द गार्ड ब्लू हिच विस्टल्स, गार्ड जो था अपने सीटी को बजाया। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम लोग चल दिए। वंस अगेन, एक बार पुनः। आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, मेरे पास फिर से एक नया खेल खेलने के लिए था, एक नए यात्री के साथ, एक नए साथी के साथ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, गाड़ी जो थी गति को पकड़ी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, और जो पहिए थे वो अपने धुन को अर्थात स्पीड को पकड़ लिए। द कैरेज ग्राउंड एंड सुक, अब जो कैरेज थी, बोगी थी, क्या करे थे, कराहा रही थी और हिल रही थी। आई फॉन्ड
I found the window and sat in the front of it. मैंने विंडो पकड़ी और उसके सामने बैठ गया staring into the daylight that was darkness for me. खिड़की से बाहर सूर्य के उजाले की तरफ जो मेरे लिए क्या था, मेरे लिए अंधेरापन था. So many things were happening outside the window. खिड़की के बाहर बहुत सी घटनाएं घटित हो रही थी. It could be fascinating me. जो मुझे क्या कर सकती थी, मुझे आकर्षित कर सकती थी, लुभा सकती थी. Guessing what went on out there, कि बाहर क्या चल रहा था. The man who had entered the compartment broke into my reverie. जो व्यक्ति कंपार्टमेंट में आया था वह मेरे दीवा स्वप्न को भंग कर देता है, तोड़ देता है. रेबरी मिस होता है दीवा स्वप्न. यू मस्ट बी डिसअपॉइंटमेंट ही सेड. उसने कहा कि आप और से ही निराश होंगे. डिसअपॉइंटमेंट आप और से ही निराश होंगे. ही सेड, उसने कहा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव और ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन यू जस्ट लेफ्ट. माफ कीजिएगा मैं अभी अभी जो आपकी यात्री साथी थी जो चली गई, मैं उसके तरह तो खूबसूरत नहीं हूँ. शी वॉज अन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा कि वह बहुत ही रोचक लड़की थी. कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कि डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, कि क्या वह अपने बालों को छोटी रखी थी या बड़ी. आई डोंट रिमेम्बर, ही सेड, उसने कहा. साउंडिंग पजल्ड, अचरज आवाज़ में उसने कहा कि मुझे याद नहीं है. इट वॉज हर आइज, मुझे उसकी आंखें याद है. आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया कि नॉट हर हेयर, मैंने उसके बालों को ध्यान नहीं दिया, मैंने उसके आंखों को ध्यान दिया. सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसको खूबसूरत आंखें थी. बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वे सभी उसके लिए किसी भी कार्य के नहीं थे. सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिड नॉट यूज नोटिस, वह पूर्णतः अंधी थी, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया. दोस्तों, आज हम लोग के इस चैप्टर का भी समापन हुआ. अब हम लोग के चैप्टर में आगे है इस्मत चुगौटी, अ लेडी विथ अ डिफरेंसेस, और उसके बाद हम लोग का जो चैप्टर होगा अ एक्सीडेंटल टूरिस्ट. अब बहुत ज़्यादा इस 9th क्लास को हम कल कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो बनाकर कल इसको समाप्त कर दें, और उसके बाद हम लोग 2 दिन और लग सकता है इसमें 10th शुरू करेंगे, और इंटर का भी साथ साथ वीडियो अपलोड करेंगे. यदि अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप और से ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने